हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BMS ज्ञान। आज हमको पढ़ना है भारत का नाग वंग दोष का विमर्श, मतलब डिटेलिंग पढ़ना है। तो इसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हमने पिछली वीडियोज़ में भारत के दोष, भारत के पर्याय, भारत के भेद, ग्राह आग्रह भारत की टॉपिक कंप्लीट कर लिए। तो अगर आपने वो पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोष विमर्श। पहला है नाग वंग दोष। भारत में नाग वंग भूगर्भ में मिश्रित हो जाते हैं, तो ये हो गया औपाधिक दोष का भूमिज पहला। तथा अधिक लाभ कमाने के लिए व्यापारी वर्ग भी इसमें नाग वंग मिश्रित कर देते हैं, तो ये इसको हमने पढ़ा था यौगिक में। तो नाग और वंग दोष वो होते हैं जो भूगर्भ में मिश्रित हो जाते हैं, तथा जो व्यापारी वर्ग इसमें नाग और वंग मिश्रित कर देते हैं, टिन और लिड मोस्टली कॉमन। दूसरा है हमारा वाहिनी दोष। तो भूगर्भ में ही उष्ण, तीक्ष्ण एवं आग्नेय गुणों से युक्त खनिजों से मिश्रित होकर पारद वाहिनी दोष युक्त हो जाता है। इससे दोष से दाह संताप आदि हो जाते हैं। तीसरा है हमारा मल दोष। भारत में अन्य धातुओं के संसर्ग के कारण मल दोष रूपी स्वाभाविक अशुद्धि आ जाती है, जिससे जड़ता रुझा आदि हो जाते हैं। चौथा है हमारा चापल्य दोष। भारत स्वभावतः चंचल धातु है, इस स्वाभाविक चपलता को कुछ रसाचार दोष न मानकर भारत में चापल्य गर्भत्व को दोष मानते हैं। व्यापार के लिए अन्य नाग वंग आदि धातुओं के भांति चपल पारद में उसके द्रवणांक को न्यून करने के लिए मिलाया जाता है। पांचवा है हमारा विष दोष। पारद को खान से निकालते समय उसमें स्थित संघिया, नीलांजन, विस्मत आदि अनेक विषैले और उड़नशील खनिज पारद में मिश्रित हो जाते हैं। घोष की मेटेरिया मेडिका में यही विवरण इस दोष का संकेत करता है। अदर मेटल्स स्पेशली लेड, आर्सेनिक एंड एंटीमोनी में भी प्रेजेंट। भारत को खनिज से निकालते समय उसमें बहुत सारे मेटल्स मिलते हैं, जैसे लेड, आर्सेनिक, एंटीमोनी, तो उससे उसमें विष दोष उत्पन्न हो जाता है। छठवां है हमारा गिरी दोष। पर्वत के अंदर जिस स्थान से पारद निकलता है उस स्थान विशेष में प्राप्त होने वाली विकृतियां एवं दोषों के संपर्क से गिरी दोष हो जाता है। पृथक पृथक पर्वतीय स्थानों में उत्पन्न पारद में गिरी दोष मिलना संभव है। पारद का एक खनिज गिरी सिंदूर है, जो पर्वतों के दो बड़े चट्टानों के बीच में अल्प मात्रा में रक्त वर्ण का प्राप्त होता है। महागिरीसु चालपी या पषाणंता स्थितो रसा, यह रसरत्न समुच्चय श्लोक। पर्वत के अंदर से जिस स्थान से पारद निकलता है तो वहाँ पे उसमें गिरी दोष उत्पन्न हो जाता है। पत्थरों से जो दोष उत्पन्न होता है वो गिरी दोष होता है। सातवां है हमारा असहाय अग्नि दोष। पारद के खनिजों में कुछ उड़नशील तत्वों का मिश्रण हो जाता है, जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन आदि। इन तत्वों की उपस्थिति के कारण पारद अपने क्वथनांक के पूर्व ही उड़ने लगता है, इसको असहाय अग्नि दोष कहते हैं। पारद में क्लोरीन, ऑक्सीजन आदि उड़नशील तत्वों के मिश्रण के कारण पारण अपने क्वथनांक के पूर्व ही उड़ने लगता है, इसको असहाय अग्नि दोष कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया दोष विमर्श पारद का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेके। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।